नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बड़ी कंपनियों और ब्रांड को अपने प्रचार के लिए हिंदू धर्म और विवादित मुद्दे ही मिलते हैं, जिस वजह से वो अक्सर में विवाद में आ जाते हैं। फिर ये रोना रोया जाता है कि भारत असहिष्णु हो गया है। सर्फ एक्सल तनिष्क के बाद अब डाबर कंपनी अपने एक एड को लेकर चर्चा में है। देखिए रिपोर्ट। करवा चौथ का त्योहार था, पूरा देश इस त्योहार के जश्न में डूबा था। पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखकर चांद का इंतजार कर रही थीं। तभी टीवी पर आ रहे एक प्रचार से सबका पारा चढ़ गया। ये ऐड था सुप्रसिद्ध कंपनी डाबर का। करवा चौथ पर डाबर फेम ब्लीच के एक ऐड ने विवाद खड़ा कर दिया। ऐड रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस एड में एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस एड ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ LGBTQ कम्युनिटी से बेहद पसंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे हिंदू त्योहारों का मजाक बताया गया है। एड पर अपनी किरकिरी होते देख डाबर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भावनाएं आहत होने पर दुख जताया और माफी मांगी। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों के लिए ही आखिर ऐसे विज्ञापन क्यों और वीडियो फोटो जारी ऐसे क्यों किए जाते हैं? आज समलैंगिक या लेस्बियन को व्रत रखते हुए दिखाया जा रहा है और कल फिर गे लड़कों को शादी करते हुए दिखाएंगे। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर यही ऐड बनाकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि DGP को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच करवा कर कंपनी को बताएं। कंपनी या तो विज्ञापन हटाए या फिर हम कार्रवाई करेंगे। हिंदू धर्म के साथ इस तरह से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। हालांकि डाबर कंपनी ने अब इस एड को वापस ले लिया है, साथ ही लोगों से माफी भी मांग ली है। डाबर कंपनी ने बयान जारी कर विज्ञापन वापस लेने की जानकारी दी। कंपनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, फेम करवा चौथ कैंपेन को सभी सोशल मीडिया हैंडल से वापस लिया जा रहा है और हम अनजाने में लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। इसी के साथ एक अन्य ट्वीट में कंपनी ने लिखा, डाबर और फेम विभिन्नता का समावेश और समानता में विश्वास करते हैं, हमें इन पर गर्व है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि सभी हमारे साथ एकमत नहीं हो सकते। हम असहमति का सम्मान करते हैं और हमारा उद्देश्य किसी के भी विश्वास, भावनाओं, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों का अपमान करना नहीं है। अगर हमने अनजाने में किसी व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को आहत किया है तो इसके लिए माफी मांगते हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने इस कैंपेन में हमारा साथ दिया। डाबर कंपनी ने अपने विज्ञापन में दो युवतियों को करवा चौथ की तैयारी करते हुए दिखाया है, जहां एक युवती दूसरी युवती के फेस पर ब्लीच लगा रही है। इसके साथ ही दोनों त्यौहार के बारे में चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं। विज्ञापन में ऐसा बताया गया है कि दोनों युवतियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। इस दौरान एक अन्य महिला इनकी बातचीत में शामिल हो जाती है, साथ ही दोनों को पूजा में पहनने वाली साड़ी देती है। आखिर में बताया जाता है कि दोनों ही युवतियां समलैंगिक हैं। सोशल मीडिया में इस विज्ञापन के आते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कंपनी ने माफी मांगते हुए इस विज्ञापन को हटा दिया। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए। किसी ने ट्विटर पर लिखा कि भाड़ में जाओ डाबर, अपने प्रोडक्ट्स लेकर, तुमसे अच्छा तो पतंजलि है जो कभी हिंदुत्व का मजाक नहीं बनाता। बात भी सही है कि आखिर ये एक हिंदू धर्म के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ ही क्यों होते हैं? क्या कभी कोई ऐड किसी अन्य धर्म का मजाक बनाते हुए बनाया गया? खैर, फिलहाल डाबर ने ऐड वापस ले लिया है और माफी भी मांग ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।